हमारा ससुराल है बेलाम, हमारा 20 गो रिश्तेदार है यहाँ, हम आज कह देंगे रोड बन जाएगा, बाद में बोलेगा बड़ा लुच्चा कुटना नहीं बन तो दूसर को रास्ता बताओ। तो हम लोग सारी यही गुलामी में रहे, उपाय क्या है, नियम नहीं इतने बनेगा। तो हमारे पास बताता कहीं बनेगा। सुनो, ये वीडियो आपने देखा, ये वीडियो देखकर आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि क्या कोई जनप्रतिनिधि ऐसे भी अपने वोटरों से बात करता है। ये वही लोग हैं जो आपको जिताकर संसद में भेजेंगे और आप इनके सामने तेवर दिखा रहे हैं। सांसद महोदय, ये बांका लोकसभा सीट से नीतीश कुमार की जेडीयू के उम्मीदवार हैं, ये नीतीश के प्रत्याशी हैं, जो अपने वोटरों को कह रहे हैं कि चाहे तुम कितना भी कोशिश कर लो, तुम्हारी सड़क नहीं बनाएंगे। मेरे रिश्तेदार यहाँ बहुत सारे हैं, मेरा ससुराल फलाने जगह है। अरे साहब, ससुराल और रिश्तेदार केवल वोट देते हैं तो हर कोई संसद में होता, लेकिन वोट जनता लोकसभा क्षेत्र के वोटर देते हैं और वो तय करते हैं कि जिसको हम वोट कर रहे हैं उस पर हमारा अधिकार होगा कि हमारे घर, हमारे इलाके, हमारे मोहल्ले, हमारे गांव की सड़कें बनेंगी, हमारी बुनियादी जरूरतें दूर जो है वो जरूरतें पूरी होंगी और जो समस्या है वो दूर की जाएंगी। लेकिन सांसद महोदय को लग रहा है कि सत्ता के नशे में चूर है। ये सीधे तौर पर जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये कोई पहला वीडियो नहीं, इसके पहले भी एक और वीडियो वायरल हुआ था और ये दूसरा वीडियो है। ये वीडियो ताजा लग रहा है, हालांकि वीडियो की पुष्टि फर्स्ट बिहार झारखंड नहीं करता है, लेकिन जिस तरीके से सांसद महोदय की बातचीत है वो हम आपको सुना रहे हैं। और सोचिए, नीतीश कुमार के सांसद किस कॉन्फिडेंस में कह रहे हैं कि मेरा ससुराल फलाने जगह है और यहां मेरे रिश्तेदार पड़े हुए हैं, तुम वोट नहीं दोगे मत दो, सड़क नहीं बनाएंगे। ये लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने वाले बांका के उम्मीदवार हैं, नीतीश कुमार के जेडीयू के उम्मीदवार हैं। नाम गिरधारी यादव, यादव समाज से आते हैं और यादव को खूब कोस रहे थे, कह रहे थे इस गांव में मैं नहीं बनाऊंगा क्योंकि इस गांव में मेरा रिश्तेदारों से भरा पड़ा है। अरे साहब, एमपी साहब, इस गांव में रहने वाले लोगों का गुनाह क्या है कि आजादी के इतने सालों बाद और नीतीश कुमार के तकरीबन 18 साल से ज्यादा 20 साल के आसपास होने को है शासन को, उस शासन में इतना भी हक नहीं है कि वो अपने गांव, अपने घर, अपने मोहल्ले में सड़क का सपना देख सके? क्या इन लोगों को इतना अधिकार नहीं है कि वो अगर वोट करते हैं तो वोट के आधार पर अपने लिए सड़क की डिमांड कर सके? सड़क के लिए गिड़गिड़ा रहे इन वोटरों को देखें। ये वोट लेने वाले नेताओं की गिड़गिड़ाहट होनी चाहिए, लेकिन यहां नेताजी तो तन कर खड़े हैं और वोट देने वाले गिड़गिड़ा रहे हैं कि हजूर सड़क बनवा दीजिए, पूरा नहीं तो आधा बनवा दीजिए। ये तो महाभारत की लाइन याद आ गई कि भाई पूरा नहीं दे सकते हो तो 5 गांव ही दे दो। यहां तो गिरधारी यादव सांसद क्या बने हैं कि अपने आप को बांका लोकसभा सीट और बांका के रहने वाले लोगों का विधि विधाता बन गए हैं। एमपी साहब, आप विधि विधाता नहीं है, चुनाव में 5 साल आपको लोगों ने जिता दिया, आप सांसद बनकर संसद पहुंच जाते हैं इनकी आवाज उठाने के लिए, ना कि इनकी आवाज उचलने के लिए। ये तो तब है जब चुनावी साल है और इस तरीके के वीडियो जब निकल कर सामने आ रहे हैं तो सवाल पूछा जा रहा है, आखिर कब होगा ऐसे लोगों का समस्या खत्म, आखिर इन लोगों का गुनाह कब माफ होगा, क्या इनके गांव में सड़के नहीं आएंगी? वीडियो देखिए। इसलिए तुमको हम आपको दूसरा आदमी रहेगा, इसलिए हम हमारा ससुराल है बेलाम, हमारा 20 गो रिश्तेदार है यहाँ, हम आज कह देंगे रोड बन जाएगा, बाद में बोलेगा बड़ा लुच्चा कुटना नहीं बन तो दूसर को रास्ता बताओ। तो हम लोग सारी यही गुलामी में रहे, उपाय क्या है, नियम नहीं इतने बनेगा। तो हमारे पास बताता कहीं बनेगा। सुनो, पनोरमा ग्रुप जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना।
ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी, पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।